मसूरी में एक युवक स्कूटी से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। स्थानीय लोगों की सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस और फायर सर्विस के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और गहरी खाई से गंभीर हालत में युवक को रेस्क्यू कर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया। मसूरी SSI गुमान सिंह नेगी ने बताया है कि मसूरी के एक होटल में कार्यरत कर्मचारी 30 वर्षीय रतन शर्मा किराए की स्कूटी लेकर घूमने के लिए टेहरी बाईपास रोड की ओर निकला था, जहां वो उसकी स्कूटी अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। उन्होंने बताया है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को गहरी खाई से निकाल लिया है। वहीं युवक के सिर में गहरी चोट आई है, उसे मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर, ये है, आज सूचना मिली थी कि बाईपास रोड बाटाघाट के नज़दीक एक व्यक्ति खाई में गिर गया था। इस सूचना पर हम तत्काल मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। थाना पुलिस द्वारा और फायर ब्रिगेड व स्थानीय व्यक्तियों द्वारा मिलकर राजकुमार शर्मा को जो है 80-90 फीट नीचे गहरी खाई से रेस्क्यू करके ऊपर निकाला गया। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कल रात को यह व्यक्ति अपने होटल से घूमने निकला था और यहां से ये किसी कारणवश गिर गया, जिस संबंध में आगे जाँच की जाएगी। इंडिया पोस्ट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।